हे गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल गार्डनिंग पैराडाइज पर, और आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं कि पुष्पांजलि नर्सरी से खरीदे हुए गुलाब के पौधों को सक्सेसफुली कैसे उगाया जाए। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद जो बैल का आइकन आता है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले हर न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, बहुत से लोगों को शिकायत रहती है कि पुष्पांजलि नर्सरी की तरफ से जवाब नहीं मिलता या बहुत टाइम लग जाता है उनको रिप्लाई करने में। कारण ये है कि बहुत सारे लोग उनको मैसेज करते हैं, इसलिए उन सभी को जवाब देने में टाइम लग जाता है। सामान्य तौर पर उन्हें किसी को जवाब देने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। तो उनसे डील करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें एक मैसेज भेजें और फिर इंतज़ार करें। इस बीच में आपको कोई और मैसेज नहीं करना है जब तक कि आपको पहले वाले मैसेज का कोई उत्तर ना मिल जाए। उदाहरण के लिए जो मेरी उनसे बात हुई थी वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने 4 दिसंबर को उन्हें मैसेज किया था और उस मैसेज में मैंने अपनी डिमांड, जो प्लांट मुझे चाहिए थे और जो डिटेल्स उनको चाहिए थी, वो सब लिख के उनको भेज दी थी। उसके बाद मैंने वेट किया और इस बीच मैंने उन्हें कोई और मैसेज नहीं किया, जैसे कई लोग कर देते हैं कुछ घंटों बाद या एक दिन के बाद कि आपको मेरा मैसेज मिला या आप जवाब नहीं दे रहे, या जस्ट सिर्फ हेलो ही लिख के दोबारा से भेज दिया या कुछ भी। मुझे जो रिप्लाई आया वो उनका 3 दिन के बाद आया, यानी 7 दिसंबर को। उसमें भी उनका सिर्फ एक्नॉलेजमेंट आया था कि उन्हें मेरी डिमांड मिल गई है और वो इसके बारे में मुझे आगे बताएंगे। इस मैसेज के बाद भी मैंने उनको कोई और मैसेज नहीं किया और उनके मैसेज आने के 2 दिन बाद, यानी कि 9 दिसंबर को, उन्होंने मुझे टोटल बिल बना के भेजा कि मैंने जो पौधे मांगे हैं उनका टोटल अमाउंट कितना होता है। और यही प्रोसेस मैंने जो उनको पेमेंट कर दिया और अपना एड्रेस दे दिया उसके बाद भी फॉलो किया। तो मैंने जो पेमेंट किया था उस पेमेंट की डिटेल और अपना एड्रेस जो है वो उनको मैसेज कर दिया था, और उसके बाद फिर से वेट किया कि वो मेरा मैसेज को पढ़ें और जवाब दें। तो नॉर्मली आपकी तरफ से जो लास्ट मैसेज गया होता है उसके भी 2 से 3 दिन के बाद उनका जवाब आ पाता है। तो चलिए वापस अपने वीडियो पे आते हैं। ये पैकेट मुझे उनकी तरफ से मिला है, तो आइए इसको अनबॉक्स करते हैं आप। ये वो 8 पौधे हैं जिन्होंने मैंने मंगाया था, और कुछ इस तरह से वो पौधों को पैक करके भेजते हैं। तो जितनी जल्दी हो सके इन पौधों को गमले में लगा देना है। प्लास्टिक के गमले अगर ना ही यूज़ करें तो बढ़िया रहेगा, और गमलों का साइज़ भी 4 इंच या मैक्सिमम 6 इंच का ही हो। कोशिश हमें ये करनी है कि पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल एनवायरनमेंट दे सकें। वैसे ही ये काफ़ी दूर से आए हैं और कम से कम 2 से 3 दिन अब बिल्कुल अंधेरे डार्क में रहे हैं, और अब जो है ये बिल्कुल ही नए वातावरण में है। तो हमारी कोशिश यही करनी है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल एनवायरनमेंट दिया जा सके। सभी पौधे ठीक लग रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हैं पर हेल्दी भी दिख ही रहे हैं। जहाँ तक इनको लगाने के लिए मिट्टी या पॉटिंग मिक्स की बात है, तो वो 60-40 के रेशियो में मिट्टी तैयार करनी है। 60% आपकी गार्डन की सॉइल और 40% वर्मी कंपोस्ट। तो ये 6 भाग नॉर्मल मिट्टी के हैं। सॉरी, दुर्भाग्य से जो क्लिप मैंने रिकॉर्ड करी थी वो करप्ट हो गई, तो जो प्रोसेस मैंने फॉलो किया था उसको जितना ज़्यादा से जा सकता उसको दोहराने की मैं कोशिश करता हूँ। तो ये 6 भाग नॉर्मल मिट्टी के। और इसमें 4 भाग वर्मी कंपोस्ट के मिला देते हैं। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। मैं ये 6 इंच का मिट्टी का गमला यूज कर रहा हूं। इसके निचले छेद पर टीकरी रखने के बाद जो मिक्स हमने बनाया है वो इसमें भर देंगे। और उसके बाद बहुत ही सावधानी से पौधों को आप पॉलीबैग में से निकालें और इन गमलों में लगा दें। अपने सभी पौधों को मैंने अलग अलग गमलों में लगा दिया है। अब एक बार इन गमलों में बहुत अच्छी से पानी दे देते हैं।
अब इन सभी गमलों को मैं अगले कम से कम 3 दिन के लिए किसी ऐसी जगह पे रखूंगा जहां पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती हो। ये 2 दिन के बाद की स्थिति है। सभी पौधे काफी अच्छे दिख रहे हैं और यहां तक कि उनमें से एक में फूल भी खिल गया है। अभी कम से कम 1 दिन के लिए मैं इन्हें यहीं रहने दूंगा और फिर उसके बाद ही इन सबको खुले में ऐसी जगह रखूंगा जहां पे धूप आती हो। इन पौधों को गमले में लगाए हुए 6 दिन हो चुके हैं। लगभग 2-3 दिन पहले मैंने इन पौधों को यहाँ खुले में शिफ्ट कर दिया था। एक को छोड़कर बाकी सभी पौधे काफी अच्छे दिख रहे हैं। तो जहां तक मैं समझता हूं, लगभग सारे के सारे पौधे अपनी पुरानी पत्तियों को गिरा देंगे। पौधों को गमले में लगाए हुए आज 8वां दिन है, तो अब पौधों पर फंजीसाइड का छिड़काव करने का समय आ गया है। पौधों को मिलने के 10 दिन के अंदर अंदर आपको उन पर एक बार फंजीसाइड का छिड़काव करना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि महीने में 2 बार से ज़्यादा फंजीसाइड आपको नहीं डालना, और जो 2 बारी भी आप डालेंगे उस उन 2 स्प्रे में कम से कम 15 दिन का अंतर होना चाहिए। फंजीसाइड की मात्रा जो आपको लेनी है वो है 2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। मैं ये स्प्रे बॉटल यूज़ कर रहा हूँ, इसमें 1000 ml का मार्क लगा हुआ है, तो मैं इस निशान तक इसमें पानी भरूंगा। इस वेट मशीन में मैं 2 ग्राम फंजीसाइड का पाउडर माप लेता हूं। फंजीसाइड का पाउडर पानी में काफी अच्छे से मैंने मिला लिया है। अब ये जो घोल बना है हमारा, इसका इन सभी पौधों के ऊपर छिड़काव करना है। अगर आपको अपने किसी भी पौधे में डाईबैक की प्रॉब्लम किसी भी ब्रांच में दिख रही है, तो आपको उसको किसी भी स्टरलाइज ब्लेड या कैची की सहायता से काट देना है, और जहां पे आपने काटा है वहां पे फंजीसाइड पाउडर का पेस्ट लगा दीजिएगा। पौधों में पानी तभी देना है जब मिट्टी बिल्कुल सूखी लगे। 20 दिन के बाद हम पौधों में खाद देना शुरू कर सकते हैं। पौधों को आए हुए लगभग 20 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, तो अब हम इनमें फर्टिलाइज़र देना शुरू कर सकते हैं। अभी हमें मिट्टी में किसी भी तरह का कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है, जो भी देना है वो अभी हम स्प्रे ही करेंगे पौधों के ऊपर। तो अभी जिस फर्टिलाइज़र का स्प्रे करना है वो है NPK 12:61:0, तो जिसमें नाइट्रोजन का पार्ट 12% है और फॉस्फोरस का 61% और पोटेशियम आपका 0। तो ये हमें इसके पत्तियों पर और तनों पर स्प्रे करना है। इस फर्टिलाइज़र को देने से जो जड़ें हैं वो मजबूत होंगी, ज़्यादा फैलेंगी, और जो पौधा है उसके ओवरऑल ग्रोथ के लिए दिया जाता है। तो ये वो NPK फर्टिलाइज़र है 12:61:0। ये मैंने अमेजन से ऑर्डर किया है क्योंकि यहाँ पे लोकली मेरे को कहीं पे मिल नहीं रहा था। तो अगर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप लोगों को भी लेना हो तो आप वो चेक कर सकते हैं। तो इस NPK की मात्रा जो लेनी है वो है 2 ग्राम 1 लीटर पानी में। ये 2 ग्राम NPK मैंने वेट करके ले लिया था, और इस बोतल में ऑलरेडी मैंने 1 लीटर पानी भरा हुआ है, तो इसमें ये मैं NPK डाल देता हूँ और उसको एक बार इसको अच्छे से मिला लूँगा। अब इस फर्टिलाइजर का स्प्रे हमें सभी पत्तियों पर और तनों पर करना है, और इसी तरह अगले 30 दिन तक इस फर्टिलाइजर का स्प्रे करना होगा हर 2 से 3 दिन के अंतराल पर। लगभग सभी पौधों में नई ग्रोथ शुरू हो गई है, आप इसमें नई पत्तियां देख सकते हैं। छोटी छोटी पत्तियां तने के इस भाग से भी निकल रही हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो नई ग्रोथ लगभग 3 से 4 अलग अलग जगह पे शुरू हो गई है।
दुर्भाग्य से मेरे ये तो दो पौधे नहीं बच पाए, पर ओवरऑल फिर भी रिजल्ट काफी अच्छा है। आई होप आपको ये मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितने ज़्यादा लोगों से आप कर सकते हैं। कोई भी कमेंट हो आपका तो प्लीज़ उसको लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।